स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया। उन्होंने कहा जो देश का मिशन है वो बीजेपी का मिशन है। और क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है वो सुन लेते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने संकल्प पत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जारी किया है। देश को, भारत को विकसित, भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान, इन चार स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है, अयोध्या से बड़ी खबर है। फैजाबाद से बीजेपी उम्मीदवार का यह बयान वायरल हो रहा है। संविधान बदलने को 2/3 बहुमत चाहिए, यह बयान उन्होंने दिया। नियम और संविधान भी बदलना होगा। लल्लू सिंह जिन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है, संविधान को बदलने की बात उन्होंने ये कही है, ऑन कैमरा ये बात कही और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा संविधान बदलने को 2/3 बहुमत चाहिए, नियम और संविधान में बदलाव होना चाहिए। लल्लू सिंह जिनका ये बड़ा बयान, बड़ा स्टेटमेंट ऑन द कैमरा उन्होंने ये बात कही है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो फैजाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार हैं लल्लू सिंह जिन्होंने संविधान को बदलने की बात कही है और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है संविधान को लेकर, संविधान को बदलने की बात उन्होंने ये कही है। और एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। अयोध्या से ही यह दूसरी बड़ी खबर है। रामनवमी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी कर दी है गाइडलाइन। 15 से 18 अप्रैल तक वीआईपी दर्शनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वीआईपी पास पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और 15 से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन पास भी पूरी तरह से निरस्त कर दिए गए हैं। तो देखिए, जो वीआईपी दर्शन करना चाहते थे या फिर ऑनलाइन पास बनाकर दर्शन करने की सोच रहे थे उनके लिए यह खबर है, क्योंकि 15 से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन पास पूरी तरह से निरस्त हैं और वीआईपी पास बनाने पर भी यह पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया है। अयोध्या में रामनवमी के पर्व को लेकर प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा है। दरअसल रामनवमी के मौके पर लाखों की संख्या में भक्तों के अयोध्या पहुंचने की संभावना है और इसी को लेकर अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि रामनवमी के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या आने की संभावना है। साथ ही और क्या कुछ कहा उन्होंने वो सुन लेते हैं। देखिए, रामनवमी परंपरागत रूप से अयोध्या जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व रहा है और हमेशा से यहाँ काफी भारी संख्या में लोग श्रद्धालु आते रहे हैं। पिछली बार जब रोड इसमें निर्माणाधीन थी, कई जगह पर तोड़फोड़ चल रही थी, तब भी 10 लाख से कम लोग नहीं आए थे। इसलिए ये हम मान के चल रहे हैं कि इससे कई गुना लोग अधिक संख्या में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। और वैसे भी परंपरागत रूप से अब पूरा का पूरा अवध क्षेत्र फसल कटने के बाद ग्रामीण क्षेत्र का जनसमुदाय भारी संख्या में यहाँ आता रहा है। रामलला विराजमान के एक भव्य और नव्य मंदिर में स्थापित होने के बाद से एक विशेष ऊर्जा, विशेष उत्साह और विशेष उल्लास लोगों में परिलक्षित हो रहा है और इसके कारण लोग अपनी तरफ से भारी संख्या में आने के लिए
हमारी अपेक्षा भी है और हम ऐसा आकलन कर रहे हैं कि लोग भारी संख्या में आएंगे। चैत्र नवरात्रि का आज छठा दिन है और इस दिन मां कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना करने का विशेष फल भी मिलता है। लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित 51 शक्तिपीठ मंदिर से हमारे संवाददाता ने यहां की अध्यक्ष तृप्ति तिवारी से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। इस समय मौजूद है लखनऊ के बख्शी का तालाब 51 शक्तिपीठ मंदिर पर। आज नवरात्र को लेकर छठा दिन है और माँ कृतनी की भी यहाँ पूजा की जाती है। यहाँ से लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर यहाँ मंदिर की अगर बात कही जाए तो 108 फीट मंदिर की ऊंचाई है और यहाँ पे लोग दर्शन करने के लगातार आते हैं। और यहाँ देख सकते हैं हमारे यहाँ मंदिर की अध्यक्ष जी हैं, इनसे भी जानेंगे आज जो यहाँ पे छठा दिन नवरात्र का है, किस तरह की यहाँ पूजा की जाती है और क्या मान्यता है। आपका भी बहुत स्वागत है 51 शक्तिपीठ तीर्थ में, सभी भक्तों को जय माता की। नवरात्र का छठा दिन और माँ कृतनी की पूजा की जाती है और मान्यता यहाँ ये है कि लगातार जो आज पूजा की जाती है अंग वस्त्र जो दान किया जाती है, किस तरह की माता। देखिए जो श्रृंगार की बात है तो श्रृंगार तो वर्णांबर श्रृंगार है। मेरे ख्याल में यहाँ जैसा अलग ही होता है, हर दिन अलग श्रृंगार है और जो श्रृंगार माँ का होता है, माँ के भक्त सारे मंदिर के सारे सदस्य हम उसी रंग में होते हैं, उसी तरह का माँ को भोग अर्पित होता है, उसी तरह का फल अर्पित होता है। आज पीला रंग है माँ कात्यायनी का, हम सब भी पीले में है, हमारी माता रानी भी पीले में है और भोग भी पीला है और फल भी पीला है। देखिए मान्यता तो बताता नहीं है कोई भी कि उसकी क्या मान्यता है, जब पूरी हो जाती है तब जरूर लोग आके कहते हैं कि हमने ये मन्नत मांगी थी और ये पूरी हुई। तो लोग बच्चों के लिए आते हैं, बहुत सारे लोगों को, किसी को 10 साल बाद बच्चे हुए, किसी के रो के बोला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार थे तो वो ठीक हुए। तो मुझे लगता है जिस भाव से आप आते हैं तो माँ जरूर पूरा करती है। बस एक अपील करूंगी कि फोटो और वीडियो को छोड़ के भाव लेके माँ के पास आइए, भाव अर्पित कीजिए, माँ जरूर पूरा करती है। अगर मैम रामनवमी की अगर बात करी जाए, किस तरह की रामनवमी में अभिषेक होता है और रामजन्म होता है, ये हम करते हैं और हमारे यहाँ एक विशाल भंडारा होता है जो 1100 कन्याओं का संकल्प है हमारा। तो 1100 कन्याएं होती हैं और उसके बाद जो भी भक्त आते हैं तो 2500-3000 आदमी का भंडारा तो हो जाता है। जब तक भक्त आते हैं, जब तक माँ की कृपा रहती है, वो भंडारा चलता रहता है और मैसेज देते हैं हम कि जो कन्या पूजन है उसमें सिर्फ आप आओ और कन्या पूजो ही नहीं, एक संदेश लेके जाओ कि इनको कुछ बनाना है ना। सिर्फ कन्या पूजना, टीका लगाना, पांव छूना नहीं है, उनका सम्मान कैसे करना है, उनको आगे शिक्षा दीक्षा जो भी है। आप देख सकते हैं ये लगातार हमारे मंदिर 51 शक्तिपीठ मंदिर की अध्यक्ष जी और इनका साफ तौर से कहना था कि जो रामनवमी की अगर बात की जाए तो 1100 कन्याओं की तरह यहाँ पे पूजा किया और भंडारा भी किया जाता है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ राजेंद्र तारवी, लखनऊ। और भी प्रयागराज में बीते कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, 40 डिग्री तक के तापमान पहुंच चुका है। वहीं गर्मी शुरू होते ही प्रयागराज में लोग गर्मी से बचने के उपाय भी खोजने लगे हैं। ऐसे में मटकों की जो सबसे ज्यादा डिमांड है और इन मिट्टी के घड़ों या फिर सुराही की बात करें, यहां पर इसको देसी फ्रिज भी कहा जाता है। और देखिए ग्राउंड जीरो से गर्मी से लोग किस तरह से परेशान है और कैसे इन मटकों को खरीद रहे हैं लोग। यहाँ गर्मी का प्रचंड रूप अभी से दिखने लगा है और प्रयागराज की धरती पर गर्मी जो है अभी से लोगों को परेशान करने लगी है, जहां तापमान 30 दशमलव से ऊपर अभी से है। और ऐसे में जिस तरह से गर्मी ने प्रचंड रूप धारण किया है उससे हर कोई कहीं ना कहीं परेशान है। मई जून में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस समय हम खड़े हैं कटरा बाजार में, जहाँ मिट्टी के बर्तनों के सामान की बाजार है और यहाँ लोग खरीदारी करने आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लोग खरीदारी भी कर रहे हैं और सबसे खास बात आपको हम ये बताएं कि जो घड़े हैं मिट्टी के उसमें ये जो प्लास्टिक की टोटी लगी है ये आकर्षण केंद्र, इसकी ज्यादा डिमांड है। और सबसे एक चीज और हम दिखाएंगे, यहाँ जो घड़े बने हुए हैं उस पे किस तरह से पूरी कला दिखाई गई है। आप देख सकते हैं घड़े पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है और इसी तरीके से अलग अलग घड़ों पर अलग अलग चीजें लिखी है, डिजाइन कलाकृति बनी हुई है, फूल बने हुए हैं और ये घड़े लोग खरीदने आ रहे हैं। ये बताइए, हम यहाँ पे लोगों से बात भी करेंगे कि इस बार घड़े क्या से क्या रेट के हैं और कितने डिमांड है, ये बताइए आप लोग घड़ा खरीदने आए हैं क्या रेट मिल रहा है बाजार में।
ही मार्केट में घड़ा, क्योंकि अब ये टोटी वाला जब से आया है देखने में ये बहुत अच्छा है और इससे हम लोगों को सुविधा है, पानी निकालते वक्त गिरेगा नहीं रूम में, अदरवाइज गिर जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस बार थोड़ा सा प्राइस भी हाइक है, और क्योंकि कुम्हारों के पास मिट्टी मिल नहीं पा रही है इसलिए इस बार रेट थोड़ा महंगा है। ये बताइए, फ्रिज के जमाना है, आज आप घड़ा खरीद नहीं जानते हैं। अब क्या है, आजकल गाँव की अपेक्षा शहर में घड़ा ज्यादा बिक रहा है, क्यों? चूंकि हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग तो नहीं खरीद सकते ना फ्रिज, फ्रिज खरीदेंगे फिर बिजली का बिल भी भरे, हाँ, और पता चला 10x10 का रूम है उसमें फ्रिज ही रख लें, फिर हम पढ़ेंगे कहाँ, ठीक है। स्टूडेंट की समस्या, उनका कहना फायदा। ये बताइए, आप लोग जो बेच रहे हैं घड़ा, इस बार कितनी उम्मीदें हैं? गर्मी अभी से पड़ने लग गई है और किस तरह से दिख रही है, कितने से घड़े की स्टार्टिंग है? घड़े की स्टार्टिंग 100 रुपए से ज्यादा की है, 100 से कम की नहीं है। 5 लीटर का है, 100 रुपए का, जैसे 5 लीटर है, 10 लीटर है, 15 लीटर है, 20 लीटर है, 100 रुपए से कम कोई घड़ा नहीं। ये बताइए, कितने आसानी से ये घड़ा बिक रहा है, इस बार कितनी उम्मीद है? उम्मीदें क्या, बिक तो रहा है, गर्मी है, स्टूडेंट लोग लेंगे ही, बिक रहा है, बस ये बन नहीं पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा, क्या इसके बन नहीं पा रहा? क्योंकि बनाने वाला एक कारीगर है, लेने वाले 4 दुकानदार है, तो बेचारे किसको किसको। मिट्टी की भी कोई समस्या, मिट्टी भी नहीं मिल पा रही है, पहले मिट्टी फ्री में मिल जाती थी, अब उस लोगों को मिट्टी भी खरीद के लानी पड़ती है, इसलिए नहीं बन पा रहा है। कुम्हारों की जो समस्या है सबसे बड़ी, कि मिट्टी पहले जो फ्री में मिलती थी वो अब उनको खरीदनी पड़ रही है, और ये भी कहीं ना एक बड़ा कारण है जो मटके और घड़े के दाम बढ़ा दिए। ये बताइए, आप लोग जो घड़ा बेच रहे हैं बाजार में, कितना ग्राहक पसंद कर रहे हैं? 100% तो पसंद कर ही रहे हैं, और संख्या तो ज्यादा बढ़ गई है। इसमें नल वाला आजकल चल रहा है, इसमें टोटी देख सकते हैं, इसमें टोटी लगी हुई है और टोटी वाले डिमांड ज्यादा है। देखिए, समय के साथ बदलाव हुआ है और घड़े भी अब हाईटेक हो गए, जिसमें प्लास्टिक की टोटी लगी, जिसको आपको डाउन करके या कोई चीज डाल के नहीं पानी निकालना पड़ेगा, टोटी आप टैप ऑन करेंगे और पानी सीधा घड़े से भी मशीन के द्वारा निकाल सकते हैं। और घड़े की डिमांड इस बार ज्यादा है, क्योंकि छात्रों का कहना है कि अगर हम फ्रिज खरीदेंगे तो कहाँ रखेंगे, हमें घड़े से ही काम चलाना पड़ता है, मगर घड़े के दाम ज्यादा है, क्योंकि घड़ा इस बार ज्यादा बन नहीं पा रहा, क्योंकि कुम्हारों को मिट्टी मिल नहीं पा रही, मगर कुम्हारों को अभी उम्मीद है कि उनका जो घड़ा होगा वो ज्यादा बिकेगा और जिससे कि उनका घर अच्छे से चल सकेगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए अब बात तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। पीडीएम ने फतेहपुर से रामकृष्ण पाल को बनाया प्रत्याशी, राष्ट्रीय उदय पार्टी के जिला महासचिव। सपा ने लोकसभा से पप्पू निषाद को संत कबीर नगर से बनाया प्रत्याशी, कार्यकर्ताओं में खुशी दिलाई। अब्बास अंसारी पहुंचा कासगंज जेल, पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा के लिए मिली थी 3 दिन की कस्टडी पर। आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा सपा पीठ में खंजर मारने का एक छुपावा दुश्मन। कानपुर में सपा विधायक सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सपा नेता की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे थे सपा के विधायक, रामनवमी पर बयान पर हुई यह गिरफ्तारी। गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की आचार संहिता का उल्लंघन, ये मामला सामने आया, 2 दर्जन गाड़ियों के साथ काफिले के साथ जनसंपर्क, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। सहारनपुर में क्षत्रिय महासभा ने बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा का समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया, कैराना संसदीय क्षेत्र से बसपा उम्मीदवार। इटावा में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं सपा के कार्यकर्ता, लोधी समाज को एकत्रित करने में जुटे। आंवला से बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली के बिगड़े बोल, बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ की विवादित टिप्पणी, अखिलेश यादव पर भी साधा निशान। अलीगढ़ में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री के बूथ सम्मेलन में खाने के पास पड़े मिले हैं पशुओं के अवशेष, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई, वोट के लालच में लोगों को मुफ्त में दिया पेट्रोल, युवाओं को पैसे देकर प्रचार भी करवा दिया। भदोही में निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके करीबियों पर जबरन हिस्सा मांगने और धमकाने का आरोप, एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री कर बनाई दीवार पर मांग करने का जबरन हिस्सा, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की। बदायूं में लोकसभा सांसद धर्मेंद्र कश्यप का व्यक्ति को धमकाने का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पहले ऐसे कई ऑडियो सामने आए। कानपुर में अंबेडकर जयंती पर बिना परमिशन के निकाली गई शोभा यात्रा, पुलिस के यात्रा रोके जाने पर नाराज हुए सड़क पर बैठ गए लोगों ने जमकर किनारे बांधे। प्रतापगढ़ में बाबा साहेब की जयंती पर लोगों में उत्साह देखने को मिला, पुलिस ने अराजक तत्वों की गतिविधियों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी।
कन्नौज में मनाई गई है भीमराव अंबेडकर की जयंती। डीएम ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। मौके पर बच्चों को पुरस्कार भी भेंट किए। मुजफ्फरनगर में बाबा साहेब की जयंती पर मंत्रियों ने बाइक रैली का भी आयोजन किया। बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। महोबा में मनाया गया है अग्निशमन दिवस। अग्निशमन पुष्प अर्पित ये कर श्रद्धांजलि भी दी गई है। फायर सर्विस की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर जागरूकता के लिए रवाना भी किया। फर्रुखाबाद में धूमधाम से मनाई गई है भीमराव अंबेडकर की जयंती। अंबेडकर अनुयायियों ने निकाली है शोभा यात्रा। जगह जगह यात्रा पर पुष्प वर्षा भी। प्रतापगढ़ में बाबा साहेब की 133वीं जयंती पर निकाली गई है भव्य शोभा यात्रा। बाइक रैली का भी आयोजन। कानपुर रोडवेज परिवहन विभाग ने मनाई है अंबेडकर जयंती। केक काटकर अधिकारियों को भी ये वितरित किया। बहराइच में अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन। छात्रों ने यात्रा निकालकर संविधान का पालन करने का संदेश। कन्नौज में धूमधाम से मनाई गई संविधान निर्माता की जयंती। जेल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अलीगढ़ में धूमधाम से मनाई गई भीमराव अंबेडकर की जयंती। बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोगों ने निकाली झांकी। प्रयागराज में भीमराव अंबेडकर जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। लोगों ने शिक्षा दिलाने में सहयोग और संविधान का पालन करने का भी संदेश। लखनऊ के केजीएमबी में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम का आयोजन। एमबीबीएस के छात्रों ने पोस्टर प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा। प्रतापगढ़ में मां कल्याणी देवी धाम पर कन्या पूजन और महाप्रसाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हवन पूजन में हाईकोर्ट के कई अधिवक्ता भी शामिल। लखीमपुर में मछलियों का शिकार कर रहे युवक को मगरमच्छ ने अपना निशाना बना लिया। युवक का बायां हाथ खा लिया है। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कर लिया। आगरा में एसी स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लगी थी। हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो चुका। बहराइच में भाई बहन की एक साथ मौत से हड़कंप मच गया है। एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने टीम का भी गठन किया। अमेठी में दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार ने घर के बाहर बिकाऊ का पोस्टर लगा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। बांदा में दबंगों ने युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। लहूलुहान हालत में घर के बाहर फेंक कर आरोपी फरार है। शिकायत न लिखने पर परिजनों ने पुलिस के खिलाफ हंगामा भी काटा। अलीगढ़ में जंगल में मिला अज्ञात महिला का शव। जाति जुटी है। मेरठ कारागार में कैदियों के बीच खूनी संघर्ष। मारपीट में कैदी की मौत की खबर। रायबरेली में शत प्रतिशत मतदान को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। डीएम और एसपी ने की है हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के तट पर मिला अज्ञात अधेड़ का शव। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर दिया। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने की आत्महत्या। गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया। रायबरेली में थाने में तैनात आरक्षी को ट्रक ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल हुआ। नाजुक हालत देखते हुए ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर करना। कानपुर देहात में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मासूम को बनाया अपना शिकार। गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। रामपुर में प्रधानाध्यापक पर महिला शिक्षिकाओं ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया है। शिक्षिकाओं ने दर्ज करवाई एफआईआर। विरोध प्रदर्शन भी किया। गोंडा में बीजेपी प्रत्याशी के चचेरे भाई की मौत का मामला। परिजनों में कोहराम। मेरठ में दिन दहाड़े घर में घुसा तेंदुआ। इलाके में हड़कंप। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू जारी। अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में आटा चक्की में विस्फोट हो गया है। एक की मौत छह झुलसे। मामले की जांच में टिप्पणी। फतेहपुर के बसफरा गांव में मंदिर प्रांगण में शराबियों की महफिल। शराबियों की अभद्रता से ग्रामीण परेशान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मुठभेड़ में पकड़े गए दो आरोपी एक घायल। अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में लोकसभा चुनाव से पर ड्यूटी पर तैनात। वाहनों में लगाया जाएगा जीपीएस। नगर मजिस्ट्रेट ने प्रेसवार्ता कर जानकारी। लखनऊ में चार बाग के एक होटल में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव मिला। परिजनों का रोड़ों कर बुरा हाल। बागपत पुलिस का दिखा सराहनीय काम। रागिरों पर हमले कर रहे तेंदुए से भिड़ी है पुलिस। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। एक घायल। अस्पताल में भर्ती। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए फर्रुखाबाद से 440 होमगार्ड को उत्तराखंड के लिए रवाना किया गया। प्रथम चरण के चुनाव संपन्न कराने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रहेगी अहम भूमिका। आगरा में अनियंत्रित ट्रक से बाइक सवार की यह मौत। हादसे में महिला की मौत की खबर है। मौके पर पहुंची है पुलिस। जांच
बागपत में जख्मी तेंदुए को वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया है, सड़क हादसे में यह घायल हुआ। फरुखाबाद में ईंट भट्टा मजदूर की ट्रेन से कटकर मौत का मामला, परिजनों ने मुनीम पर शव को गायब करने का आरोप लगाया। कानपुर से अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए 320 पुलिस होमगार्ड, एसपी ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना। बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज से गायब हुआ नवजात शिशु, परिजनों ने दो नर्स स्टाफ पर लगाए हैं गायब करने के आरोप, जांच देती है पुलिस। इटावा पुलिस ने लूट और चैन स्नेचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया, 14 महिलाओं को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी है। फरुखाबाद में गांव के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने मतदान करने का बहिष्कार कर दिया, पोस्टर लगाकर मतदान के खिलाफ नारेबाजी। फिरोजाबाद में ससुराल में पति ने पत्नी को गोली मारकर खुद को भी गोली मार दी है, परिजनों ने घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, काफी दिनों से विवाद चल रहा था।